हेलो स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की कुछ ऐसी स्पेशल फॉर्म्स हैं जहां हम इलेट रूल अप्लाई नहीं कर सकते, तो ऐसे फॉर्म्स को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. नाउ ये फॉर्म है एक्सपोनेंशियल फंक्शन मल्टीप्लाई बाय साइन फंक्शन और कोसाइन फंक्शन. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, फिर समझ आ जाएगा. ये ई रेज टू पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स, इसमें क्या करना है, हमने जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा उसको हम फर्स्ट ही कंसिडर करेंगे और जो साइन और कॉस फंक्शन होगा उसको हम सेकेंड ही कंसिडर करेंगे और सॉल्व करेंगे इसको हम बाय पार्ट्स. ओके, नाउ इसको पहले तो हम आई एज्यूम करेंगे. आई इज इक्वल टू इंटेग्रल ई रेज टू पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स डी एक्स. ओके, नाउ दिस विल बी, देखिए इसको फर्स्ट कंसिडर कर रहे हैं हम, तो फर्स्ट इंटू इंटेग्रल ऑफ सेकेंड, साइन का इंटेग्रल आ जाएगा हमारे पास माइनस कॉस बी एक्स अपॉन बी माइनस इंटेग्रल ऑफ, नाउ डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू पावर ए एक्स इज ए इंटू ई रेज टू पावर ए एक्स इंटू इंटेग्रल ऑफ दिस, दिस विल बी माइनस कॉस बी एक्स डिवाइडेड बाई बी डी एक्स. ओके, देन दिस इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन बी ई रेज टू पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स माइनस माइनस प्लस, दिस विल बी ए अपॉन बी इंटेग्रल ई रेज टू पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स डी एक्स. ओके, इसको अब हम फिर करेंगे. ओके, दिस विल बी माइनस वन अपॉन बी ई रेज टू पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस ए अपॉन बी, यहाँ बड़ी ब्रैकेट डाल लेंगे. ओके, देन दिस विल बी फर्स्ट, वैसे ही करना है, इसको फर्स्ट कंसिडर करेंगे, इसको सेकेंड कंसिडर करेंगे. नाउ फर्स्ट इंटू इंटेग्रल ऑफ सेकेंड, दिस विल बी साइन बी एक्स अपॉन बी माइनस इंटेग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट विच इज ए इंटू ए रेज टू पावर एक्स, सॉरी ई रेज टू पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स डिवाइडेड बाई बी डी एक्स. ओके, एंड दिस विल बी माइनस वन अपॉन बी ए ई रेज टू पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स प्लस, देखिए ए अपॉन बी इंटू बी इज बी स्क्वायर इंटू ई रेज टू पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स. ओके, माइनस प्लस माइनस माइनस आ गया, ये हमारा बन जाएगा ए इंटू ए इज ए स्क्वायर अपॉन बी इंटू बी इज बी स्क्वायर इंटू इंटेग्रल ऑफ ई रेज टू पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स डी एक्स. ओके, नाउ दिस इज आई. ओके, एंड यहाँ भी आई हमने एज्यूम किया था, तो ये इधर आ जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा इधर, तो ये बन जाएगा हमारे पास आई प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर आई, दिस इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन बी ई रेज टू पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस ए अपॉन बी स्क्वायर ई रेज टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स. ओके, देन ये फॉर्म बन जाएगी वन प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सॉल्व कर देंगे इसको हम, अपॉन बी स्क्वायर आई इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन बी ई रेज टू पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस ए अपॉन बी स्क्वायर ई रेज टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स. ओके, देन आई इज इक्वल टू, इसको हम इधर शिफ्ट कर देंगे, दिस विल बी बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू माइनस वन अपॉन बी ई रेज टू पावर ए एक्स ई रेज टू पावर ए एक्स, इसको हम कॉमन निकाल देंगे बाहर, माइनस वन अपॉन बी कॉस बी एक्स प्लस ए इंटू साइन बी एक्स. ओके, प्लस सी लगा देंगे अब यहाँ, नाउ दिस इज इक्वल टू, देखिए अब इसको बी को जब हम बी स्क्वायर को अंदर लेकर जाएंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ई रेज टू पावर ए एक्स, और अंदर हमारे पास आएगा बी के साथ बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा एंड दिस विल बी माइनस बी कॉस बी एक्स, देन प्लस, और यहाँ है हमारे पास ए अपॉन बी स्क्वायर, देन प्लस, देखिए बी स्क्वायर के साथ बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा हमारे पास ए इंटू साइन बी एक्स प्लस सी, दिस विल बी योर आंसर. ओके स्टूडेंट्स, सिमिलरली हम ई रेज टू पावर ए एक्स कॉस एक्स को भी हम सॉल्व कर सकते हैं. जैसे स्टार्ट करते हैं पहले सेकेंड इंटेग्रल ऑफ
ई रेज टू पावर 2x कॉस 3x dx. ओके, नाउ इसको हम एज्यूम कर लेंगे अगेन i, देन i इज इक्वल टू, इसको हम कंसिडर करेंगे फर्स्ट, इसको कंसिडर करेंगे अब सेकेंड. ओके, नाउ फर्स्ट इंटू इंटेग्रल ऑफ सेकेंड, दिस विल बी साइन 3x अपॉन 3 माइनस इंटेग्रल ऑफ, नाउ डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू पावर 2x विच इज 2 इंटू ई रेज टू पावर 2x. ओके, इंटू साइन 3x अपॉन 3 dx, देन दिस विल बी 1 अपॉन 3 ई रेज टू पावर 2x इंटू साइन 3x माइनस 2 अपॉन 3 इंटेग्रल ई रेज टू पावर 2x इंटू साइन 3x dx. अब हम अगेन इसको सॉल्व करेंगे फिर. ओके, नाउ दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 ई रेज टू पावर 2x इंटू साइन 3x माइनस 2 अपॉन 3, नाउ बड़ी ब्रैकेट फर्स्ट इंटू इंटेग्रल ऑफ सेकेंड विच इज माइनस कॉस 3x अपॉन 3 माइनस इंटेग्रल ऑफ, देन डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू पावर 2x इज 2 इंटू ई रेज टू पावर 2x इंटू माइनस कॉस 3x अपॉन 3 dx. ओके, देन दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 ई रेज टू पावर 2x इंटू साइन 3x, नाउ माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन 3 इंटू 3 9 इंटू ई रेज टू पावर 2x इंटू कॉस 3x, देन माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, देन 2 इंटू 2 4 अपॉन 3 इंटू 3 इज 9, देन ये आ जाएगा अंदर इंटेग्रल ऑफ ई रेज टू पावर 2x इंटू कॉस 3x विच इज वैल्यू ऑफ i अगेन. ओके, देन i इधर आएगा i प्लस 4 अपॉन 9i इज इक्वल टू, ये सॉल्व करके आ जाएगा 1 अपॉन 3 ई रेज टू पावर 2x साइन 3x प्लस 2 अपॉन 9 ई रेज टू पावर 2x इंटू कॉस 3x. ओके, देन दिस विल बी, इसको हम सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा अब 13 अपॉन 9. अब इधर सॉल्व कर देंगे इसको, 13 अपॉन 9 इधर बन गया तो ये इधर आके आ जाएगा 9 अपॉन 13. ओके स्टूडेंट्स, नाउ अंदर आ गया हमारे पास अब 1 अपॉन 3 ई रेज टू पावर 2x को कॉमन निकाल दो बाहर, और अंदर हमारे पास आ जाएगा साइन 3x प्लस 2 अपॉन 9 कॉस 3x. ओके, एंड दिस विल बी, देखिए 1 अपॉन 13 तो बाहर आएगा ही आएगा. ओके, एंड ई रेज टू पावर 2x भी आ गया, देन इंटू 1 अपॉन 3 के साथ 3 करेंगे, ये बनेगा हमारे पास 3 साइन 3x प्लस 9 के साथ 9 कैंसिल हो जाएगा, एंड दिस विल बी 2 कॉस 3x प्लस सी, दिस इज योर आंसर. ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद जो क्वेश्चन आ सकते हैं हमारे पास, जैसे ई रेज टू पावर, देखिए जैसे ई रेज टू पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो होगा ही होगा. ओके, साथ में जैसे हमने कुछ फॉर्म्स की हुई हैं, जैसे साइन और कॉस की मल्टीप्लिकेशन हो गई, उस फॉर्म को पहले हम सॉल्व कर लेंगे, फिर देन सॉल्व करना है फिर ई रेज टू पावर एक्सपोनेंशियल इंटू कॉस फॉर्म बना के. ओके, और आ सकता है जैसे ई रेज टू एक्सपोनेंशियल हो गई होगा, टेन इनवर्स एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, कुछ ऐसी फॉर्म्स भी आ सकती हैं जैसे हमने सब्स्टिट्यूशंस में की हुई हैं. ओके स्टूडेंट्स, ये हो गई स्पेशल फॉर्म एक्सपोनेंशियल इनटू साइन और कॉस फंक्शन. क्लियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए.